भाई नया गाड़ी है, टेस्ट राइड पे निकले हैं। कब खरीदे? हाँ कब लिए हैं? अभी तो शोरूम से लेके आ रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा है। वो आज का क्यों नहीं थे? आज खरीदा ना, कब खरीदा? अभी टेस्ट राइड में लेके निकले हैं भाई साहब, टेस्ट राइड शोरूम से लेके निकले हैं चलाने के लिए, टेस्ट राइड के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हो, आज हमारे सामने है TVS Ronin, जिसे TVS कंपनी ने कुछ ही दिनों पहले लॉन्च किया था। और जब से इस बाइक को लॉन्च किया गया है, आप में से काफ़ी सारे लोगों का कहना था कि इस बाइक का एक सिटी माइलेज टेस्ट कीजिए। तो आज हम करने वाले हैं दोस्तों इस बाइक का हाफ लीटर में सिटी माइलेज टेस्ट, और एक है हाफ लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा पेट्रोल, जिसे मैंने रखा है रिटर्न आने के लिए। और इस बाइक के फ्यूल टैंक में दोस्तों बहुत ही कम पेट्रोल है, तो जहाँ इसमें पेट्रोल ख़त्म होगा वहाँ से हम इसमें पेट्रोल डालेंगे माइलेज टेस्ट के लिए। और इस वीडियो के लिए दोस्तों आज मैं आया हूँ आपके लिए नरवेराम TVS आदितपुर शोरूम में। इनका शोरूम का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो आइए चलते हैं इस बाइक को लेके बाहर, और जहाँ इसमें पेट्रोल ख़त्म होगा जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ पर हम इसमें पेट्रोल डालेंगे माइलेज टेस्ट के लिए। तो फाइनली लगता है दोस्तों इसके जो फ्यूल टैंक में पेट्रोल था वो ख़त्म हो चुका है, और मैं आपको दिखाने के लिए इसमें दो बार सेल्फ ले रहा हूँ। तो ये बाइक इतना साइलेंट स्टार्ट है कि दोस्तों आपको पता भी नहीं चल पा रहा कि मैं सेल्फ ले रहा हूँ। एक बार फिर से आपको दिखाने के लिए सेल्फ ट्राई करता हूँ। तो आपने देखा ये बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो आइए अब हम लोग इसमें पेट्रोल डालते हैं हाफ लीटर माइलेज टेस्ट के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये रहा हाफ लीटर पेट्रोल जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में दिखाया था, और दूसरी बोतल में हाफ लीटर से थोड़ा ज्यादा पेट्रोल है जिसे मैंने रखा है रिटर्न आने के लिए। और पेट्रोल डालने से पहले एक बार फिर से दिखा रहा हूँ आपको कि ये बाइक स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। तो आपने देखा था कि ये बाइक अभी स्टार्ट हो चुका था और बंद हो गया, एक बार फिर से ट्राई कर रहे हैं। तो आपने देखा अभी ये बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है, एक बार फिर से दिखा रहा हूँ। तो आपको फाइनल हो चुका है कि अब इसके फ्यूल टैंक में पेट्रोल नहीं है। तो आइए इस हाफ लीटर पेट्रोल को अब मैं डालूंगा माइलेज टेस्ट के लिए। देखा दोस्तों मैंने पेट्रोल डाल दिया है, और अब मैं इस बाइक को आपको एक बार स्टार्ट करके भी दिखा देता हूं। तो आपने देखा बाइक स्टार्ट हो चुका है। तो आइए अब हम लोग यहां से चलेंगे सिटी माइलेज टेस्ट के लिए, और उससे पहले मैं आपको एक बार इसके ऑडोमीटर को दिखा रहा हूं। तो आप जैसा कि देख रहे हैं इसके ऑडोमीटर में अभी रीडिंग है 11, और इसके ट्रिप ए में रीडिंग है 10.4, जिसे मैं 0.0 पे कर रहा हूँ, और ट्रिप बी को भी मैं 0.0 पे कर रहा हूँ, इसमें भी रीडिंग है 11.5। तो आपने देखा इसके ऑडोमीटर में अभी रीडिंग है 11, और इसके ट्रिप ए और ट्रिप बी दोनों को मैंने 0.0 पे कर दिया है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं यहाँ से इस बाइक को लेके सिटी माइलेज टेस्ट पर। Yeah.
तो फाइनली लगता है दोस्तों हमने जो इसमें हाफ लीटर पेट्रोल डाला था वो ख़त्म हो चुका है और आज इसमें काफ़ी अच्छा माइलेज भी मिला है, हो सकता है आपको ऑडोमीटर में नज़र आ रहा होगा। और मैं आपको दिखाने के लिए इसमें दो बार सेल्फ ले रहा हूँ। तो आपने देखा ये बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा, एक बार फिर से सेल्फ ले रहा हूँ, एक बार और ट्राई कर रहा हूँ। तो फाइनली इसमें पेट्रोल ख़त्म हो चुका है और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके ऑडोमीटर और ट्रिप मीटर को। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं दोस्तों, इसके ऑडोमीटर में रीडिंग है अभी 32 और इसके ट्रिप ए में रीडिंग है 20.9 और ट्रिप बी में भी रीडिंग है 20.9। मतलब कि आज हमें इस बाइक में 41.8 के एम्पल का माइलेज मिला है हमारे जमशेदपुर सिटी के अंदर। तो आइए चलते किसी अच्छे से लोकेशन में और वहां मैं आपके साथ अपना राइडिंग एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। और उससे पहले इस बाइक में हाफ लीटर जो पेट्रोल मैंने रखा था रिटर्न जाने के लिए वो आपको मैं दिखा देता हूं। तो ये रहा दोस्तों वो हाफ लीटर से थोड़ा ज़्यादा पेट्रोल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये उतना ही पेट्रोल है जितना मैंने आपको दिखाया था। और अब इस पेट्रोल को हम डाल देते हैं वापस जाने के लिए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हम आ चुके एक नए लोकेशन में और आज आपने देखा है टीवीएस रॉनिन का सिटी माइलेज टेस्ट, जिसे हमने अपने जमशेदपुर सिटी के अंदर माइलेज टेस्ट किया था हाफ लीटर में। और वीडियो की शुरुआत में ही आपने देखा था इस बाइक के फ्यूल टैंक में काफ़ी कम पेट्रोल था। जब मैं इस बाइक को लेकर हाईवे में निकला तो वहाँ जाके इसमें पेट्रोल ख़त्म हो गया था इसके टैंक में और वहाँ पर हमने हाफ लीटर पेट्रोल डाला, तब इसके ऑडोमीटर में रीडिंग था 11 और इसके ट्रिप ए और बी को हमने 0.0 पे कर दिया था। और वहाँ से हम इस बाइक को लेकर सिटी के अंदर गए और सिटी में हमने माइलेज टेस्ट के दौरान जहाँ पर ट्रैफिक था वहाँ पर मैंने इसे राइड किया। ट्रैफिक में स्पीड देखने की ज़रूरत नहीं थी, मगर जहाँ ट्रैफिक नहीं था वहाँ मैंने इस बाइक का स्पीड 55-60 किलोमीटर पर आवर भी रखा था। और 20 किलोमीटर राइड कर लेने के बाद मैंने इस बाइक को करीब 65-70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में भी राइड किया, जो वीडियो के लास्ट में अगर आपने स्किप नहीं किया हुआ तो देखा होगा। और जहाँ पर इसके फ्यूल टैंक में पेट्रोल ख़त्म हुआ तब इसके ट्रिप मीटर में रीडिंग था 20.9। तो अगर आप इसे ×2 करते हैं तो आज हमें इसमें माइलेज मिला है 41.8 के एम्पल का, जो देखा जाए तो काफ़ी अच्छा माइलेज है क्योंकि ये बाइक बिल्कुल न्यू बाइक है। और इस बाइक में हमें पहले ही दिन 40 प्लस का माइलेज मिल रहा है, तो देखा जाए तो ये बाइक वाकई में काफ़ी अच्छा माइलेज दे देता है। तो आप मान के चलिए कि अगर आपके सिटी में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता तो हो सकता है आपको 35-40 के एम्पल के बीच में माइलेज मिले, और ट्रैफिक कम है तो हमारे शहर की तरह आपको भी 40 प्लस का माइलेज इस बाइक में मिल सकता है। आप में से काफ़ी सारे लोग होंगे जिनको इस बाइक में माइलेज कम मिल रहा होगा, तो इस वीडियो को देखेंगे तो कहेंगे कि आप फेक वीडियो बना रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। माइलेज कम मिलने का रीज़न क्या होता है मैं आपको सबसे पहले वो बताता हूँ। हो सकता है कि आप अपने बाइक में रेगुलर टायर प्रेशर को चेक नहीं कराते हैं, हो सकता है आपके बाइक का ड्राइव चेन लूज़ हो आप उसे सेट नहीं करा रहे हैं, साथ ही हो सकता है आपके शहर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है आपको बार बार गियर डाउन करना पड़ता है, इसके लिए भी आपको माइलेज कम मिल सकता है। या ये भी हो सकता है आपकी सड़क जिस शहर में आप चला रहे हो बाइक को वहाँ की सड़कें ख़राब हैं, या हो सकता है आपका बॉडी वेट ज़्यादा है। तो बहुत सारी बातों पर फ़र्क पड़ता है कि आपको आपके बाइक पर कितना माइलेज मिलेगा। तो हमारे शहर में आपने जैसा देखा कि सिटी की सड़कें बहुत ज़्यादा खाली रहती हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहता है, सड़कें बहुत ही अच्छी हैं और मेरा बॉडी वेट भी 68-70 केजी के करीब है, तो इस वजह से भी मुझे इस बाइक में काफ़ी अच्छा माइलेज मिला। और ज़्यादातर बाइक्स में मुझे हमारे शहर के अंदर अच्छा ही माइलेज मिलता है, अगर आपने मेरे चैनल में वीडियो देखा होगा तो आप जान ही रहे होंगे। और साथ ही आपसे बताना चाहूँगा, जैसा कि मैंने इस माइलेज टेस्ट के लिए इस बाइक को अपने सिटी में 20 किलोमीटर तक राइड किया, तो आइए आपके साथ एक छोटा सा अपना राइडिंग एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले बोलूँगा दोस्तों कि इस बाइक में आपको 225 सीसी का जो इंजन मिलता है वो वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त पिकअप देता है, क्योंकि जब इस माइलेज टेस्ट के बाद मैंने इस बाइक को लास्ट में राइड किया था तो मैंने देखा कि कुछ ही सेकंड के अंदर ये बाइक 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड पकड़ ले रहा था। और साथ ही मैंने देखा कि हाई स्पीड में इस बाइक में आपको काफ़ी अच्छा रोड ग्रिप मिल रहा था और बाइक आपके काफ़ी कंट्रोल में भी रहता है। और साथ ही एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये बाइक देखने में तो आपको काफ़ी बल्कि और काफ़ी भारी सा नज़र आ रहा होगा, जब आप इसे राइड करेंगे तो आपको लगेगा कि ये बाइक बहुत ही लाइट वेट फील होता है।
राइड करते वक्त आपको इस बाइक का क्लच और गियर लीवर बहुत ही सॉफ्ट महसूस होगा। इसे कंपनी ने बहुत ही सॉफ्ट मक्खन की तरह बनाया, जब आप इसे राइड करेंगे तो आपको पता चल पाएगा। आज मैंने इस बाइक का माइलेज टेस्ट सिटी में किया था और लास्ट के कुछ किलोमीटर मैंने इसे हाईवे में भी राइड किया था, तो मैंने देखा कि इस बाइक में फ्रंट में आपको जो USD फोर्क और रियर में मोनोशॉक मिलता है वो वाकई में काफ़ी अच्छी तरह काम करता है। बाइक का सीटिंग पोस्चर काफ़ी अच्छा है, अगर आपका हाइट 5'5 या 5'7 भी है तब भी आप इस बाइक को आराम से राइड कर पाएंगे, क्योंकि इसका सीट हाइट काफ़ी कम रखा गया है। साथ ही इस बाइक का सीट बहुत ही कंफर्टेबल है, तो अगर आप इस बाइक को लॉन्ग राइड पे भी जाना चाहते हैं तो आप इस बाइक को लेके राइड पे जा सकते हैं। इस बाइक के ब्रेक की बात करें तो इसके फ्रंट और रियर दोनों में आपको डिस्क ब्रेक मिलता है और ये इसका DS मॉडल है जिसमें सिंगल चैनल ABS के साथ ये बाइक आता है। तो अगर आप इसका टॉप मॉडल लेते हैं तो उसमें आपको डुअल चैनल ABS मिलेगा, मगर मुझे इस बाइक का सिंगल चैनल ABS भी काफ़ी अच्छा महसूस हुआ बाइक को राइड करते वक्त। और साथ ही एक चीज़ बोलूँगा कि इस बाइक का एग्जॉस्ट साउंड जब आप बाइक को राइड कर रहे होते हैं तो आपको सुनने में बहुत ही अच्छा महसूस होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आप जमशेदपुर इसके आसपास से हैं तो आप नरवीराम TVS आदितपुर शोरूम में आ सकते हैं। इनका शोरूम का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। और मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल में कर दीजिएगा ताकि मेरे सभी वीडियो आप तक पहुँच सकें।